हम बड़े परेशान हैं जितने भी किसान हैं कि हमारी जितनी इनकम है सो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो ये लेवर में चला जा रहा है। हमारी एक ही डिमांड है इसमें कि जल्दी से जल्दी फसल निकल रही है, बारिशें आ रही हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, किसान के पास इंतज़ाम नहीं है कि हम कहीं डंप करके रखें, स्टॉक करके रखें फसल, उसको जल्दी से जल्दी चढ़ाना है और गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी कोई स्टेप ले कि ये जो रेट्स जो नाजायज़ चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे इनके ठेकेदार, गवर्नमेंट के ही अपॉइंट किए हुए ठेकेदार जो नाजायज़ रेट चार्ज कर रहे हैं सफाई का, उसको 30 से 40 रुपए पे लेके आए। मढ़ ब्लॉक से कुछ हमारे किसान भाई आज ड्यूकॉम जम्मू से मिलने आए थे और इनका ये कहना है कि सरकार की जानिब से जो कंपनियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर जो है लेबर चार्जेस हमें ज़्यादा लिए जाते हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ड्यूकॉम जम्मू से मुलाकात हुई, क्या कुछ मसाइल उनके सामने रखे गए। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ड्यूकॉम जम्मू से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ मसाइल आपने उनके सामने रखे? सर, आज का जो हमारा विषय था ड्यूकॉम इंजीनियर साहब, वो तो एक किसान के प्रति हम आज सभी किसान आवाजा मिले हम, और मसला इस टाइम यही चल रहा है कि हमारा जो पैडी का, हम बड़े परेशान हैं जितने भी किसान हैं कि हमारी जितनी इनकम है सो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो ये लेवर में चला जा रहा है। ऐसे तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत बंदोबस्त किए हैं, जैसे सरकारी कंडे दिए, उन्हें रेट हर बार MSP रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बढ़ा रहे हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज वो ही ले जा रहे हैं वहाँ जो जिन्होंने सरकारी टेंडर डाले हैं, वो कहते हैं हम 100 से 120 तक इस बार पहुँच गए। हम इसलिए डिपकॉम से मिले थे आज कि हमारा जो लेबर एक्स्ट्रा चार्ज करें, जी सर, हमारा कम से कम 20-25-30 रुपये पर क्वांटल होना चाहिए, लेकिन आजकल आपको पता ही हमारे कंबाइन मशीन ने ऑलरेडी साफ मुंजी हमारी, लेकिन वहाँ पे आधे घंटे में हमारी 30 क्वांटल वो निकल जाती है, तो आधे घंटे में उनकी कितनी कमाई होगी? 3,000 रुपया, अगर 120 लिया तो ज़्यादा होगी। इसलिए हम डिपकॉम से मिले कि हम किसान ऑलरेडी दबा हुआ है, लेकिन किसान को बचाने के लिए हम लोगों ने स्टेप लिए, जितने भी सरपंच साहब हमारे मिले थे, हमने किसानों का जो जितना भी प्रॉफिट है, भाई एक बताओ मुझे, 120 रुपये क्वांटल ले रहे हैं वो, रेट है 2060, कितने परसेंट हो गया? 5% वो ही ले जा रहे थे, हम क्या करेंगे किसान? पहले कभी आपने वहाँ पर लोकल इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, उन तक अपने मसाइल रखे? सर, जैसे आपको बैक टू विलेज आ गया, बैक टू विलेज होता ना, 2-3 बार तो हो चुका हमारा, हमारे बैक टू विलेज में हर बार लोगों ने, जब किसान उधर ग्राम सभा होती है उसमें बोला लोगों ने कि हमारे रेट ले रहे हैं, पहले रेट था सर 120 तक पहुंच के, लेकिन आपने कम कर दिया कि तो ऐसे हम मिला, अब 100 रुपया शुरू कर दिया, लेकिन सर 100 रुपया भी बड़ा रेट है, लेकिन इसको हम 3-4 पहले SDM मार्ड को मिले थे, SDM मार्ड अरे हम जब पिछली बार ही हमने आवाज़ उठाई थी, आवाज़ उठाते उठाते हो गया, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको हम SDM साहब किए, उन्होंने कितने क्वांटल दे देंगे हमें, जे का आज डिपकॉम से इसलिए मिले, उन्होंने एक्शन दिया, और हम आपके मीडिया की माध्यम से हम जे LG मनोज सैना से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले पे किसानों के फार्मर के मसले पे इनिशिएटिव लें। जब शुरुआत हुई थी इस काम की तो लेबर चार्जेस तब क्या लिए जाते थे? कब? एक मिनट, जब शुरुआत हुई थी? 40 से शुरू किया था। 40 से? हाँ। कितने टाइम में ये 120 तक ये पहुँचा? 4-5 साल में तो पहुँच ही गए हैं जी, पिछली बार भी इन्होंने, बारिशों का भी सीज़न है, अगर जल्दी फसल ना उठे तो फसल ख़राब भी हो। किसान इस टाइम आप हमारे से 200 रुपया क्वांटल लेके, हम वो भी दे देंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम फसल खेत में नहीं रख सकते, फसल तो हम चढ़ाएंगे मंडी पे, क्योंकि हम अगर उधर में रखेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा लेबर लगेगी, इसलिए हमारी मजबूरी इस टाइम हमसे आप 200-300 रुपये क्वांटल भी ले लोगे ना, हम ना नहीं करेंगे। जो हमारे किसान हैं, कल इन्होंने अपनी 40 क्वांटल मुंजी चलाई है, आधे घंटा वह लगा, 1.25 घंटा उनका 4,000 रुपये चला गया, इसलिए हमने आज डिपकॉम से भी है कि इसको जल्दी से जल्दी आश्वासन दिया है, उनसे बात की कि इसको हो नहीं जाएगा, इसको जल्दी करना है, नहीं तो ये भी सीजन निकल जाए, 15 दिन का सीजन है सारा, इसलिए हम क्या डिमांड रहेगी LG इंतजामिया से, क्या हम LG साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को, जो किसानों का एक्स्ट्रा वो चार्ज लेबर ले रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, और किसान को कम से कम जो 5% किसान का उधर ले जा रहे हैं उसको तो बचाया जाए, हम ये LG साहब रिक्वेस्ट करें, और मुझे हम डिपकॉम से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन मुझे थोड़ा लगता है कि हल होगा, लेकिन हल सर लेट नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन में होना चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से किसान इस वक्त काफ़ी परेशान है, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, पिछले 2-3 साल से किसान सरपंच जो खुद भी किसानी करते हैं, जिनको तकलीफ़ है इस चीज़ की, जिनको सच में लगता है कि नाजायज़ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, 2-3 साल से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बैक टू विलेज या एडमिनिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट अप्रोच करके, लेकिन आज की डेट तक कोई इसका हल नहीं निकाला गया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि
कि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट का रेट है वो 20-25% पिछले 4-5 साल से बढ़ा है, लेकिन जो खरीदार उनके अपॉइंट किए हुए ठेकेदार हैं उनका सफाई करने का रेट जो है वो 300% बढ़ गया है उसमें। तो लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन है इसमें, परचेज़ की जाएगी, उनको ठेकेदार को पेमेंट भी होगी उसमें, और वो किसान से भी लाखों करोड़ों रुपए कमा के निकल जाएंगे, जिसका कोई हिसाब ना मैजिस्ट्रेट के पास है, ना FCI के पास है, ना एग्रीकल्चर के पास है। हमारी एक ही डिमांड है इसमें कि जल्दी से जल्दी फसल निकल रही है, बारिशें आ रही हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, किसान के पास इंतज़ाम नहीं है कि हम कहीं डंप करके रखें, स्टॉक करके रखें फसल, उसको जल्दी से जल्दी चढ़ाना है, और गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी कोई स्टेप ले कि ये जो रेट्स जो नाजायज़ चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे इनके ठेकेदार, गवर्नमेंट के ही अपॉइंट किए हुए ठेकेदार जो नाजायज़ रेट चार्ज कर रहे हैं सफाई का, उसको 30-40 रुपये पे लेके आए, साथ के साथ ट्रांसपेरेंसी लाए। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, अब वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वहाँ पे डिस्प्ले कर दें कि हर एक किसान को उसकी जानकारी मिले कि उसको कितने चार्जेस पे करने हैं और कितने चार्जेस, कितने पैसे उसको मिलने हैं। सर, ये जो रेट इनने अभी जो ये रेट ले रहे हैं, ये अपनी मनमानी चल रही है या गवर्नमेंट की जानिब से फिक्स किए गए? बिल्कुल, ये मैं गवर्नमेंट, ये डिवकॉम साहब से आज जो मुलाकात हुई थी, मैं फिर से आपके थ्रू इनके नोटिस में लाना चाहूँगा कि इसके पीछे कोई भी ऑथराइज कमेटी नहीं है। हमेशा कोई भी टेंडर होता है और उसमें अगर पैसों का लेन देन होता है तो एक शेड्यूल बना होता है सरकार की तरफ से कि लेबर चार्जेस कितने होने चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, बट इस केस में किसी की जवाबदारी नहीं है। ठेकेदार मन मर्जी से इसमें पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो तो परसों ही SDM साहब के सामने ही डिक्लेयर हो गया था, सभी डिपार्टमेंट वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे और ठेकेदार की ही मनमानी चल रही थी वहाँ पे। तो इसमें आपको ये बता दूं कि बिल्कुल मनमानी चार्जेस वसूले जा रहे हैं लोगों से, ना ही इसकी इवेल्यूशन अगर की जाए ना ही इतने चार्जेस बनते हैं। तो ये सरासर एक स्कैंडल है बहुत लाखों करोड़ों के हिसाब से। तो मैं तो कहता हूँ इसकी दूसरा पहलू इसका ये है कि इसकी जाँच कराई जाए कि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे हम लोगों का सोचा जाए कि फटाफट से ये चार्जेस कम करें, डिस्प्ले कर दिया जाए वहाँ पे कि कितने चार्जेस होने चाहिए, कितने लिए जाने चाहिए, तो इससे हमें भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कुछ किसान भाई मड़ ब्लाक से आज DUCOM ऑफिस आ पहुँचे थे और DUCOM से मिलकर इन्होंने कुछ अपने मसाइल जो है वो उनके सामने रखे। इनका ये कहना है कि मनमानी से वहाँ पर जो है लेबर के चार्जेस लिए जा रहे हैं और जिससे किसान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंतजामिया किसानों के हक में जल्द अज जल्द कोई फैसला लेती है या नहीं। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर रोड़े के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।